छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम महानदी राजिम में है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता की जबरदस्त आस्था देखी जाती है। सभी यहाँ अपने अपने पाप धोने, श्रद्धा से स्नान कर मोक्ष की कामना करने आते हैं। त्रिवेणी संगम में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, जिन्हें कुलेश्वर महादेव कहा जाता है। संगम के किनारे प्रसिद्ध मंदिर भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, जिनकी ख्याति देश भर में है। लोग देश के कोने कोने से दर्शन के लिए आते हैं। हर साल त्रिवेणी संगम में सरकार भव्य कल्प कुंभ का आयोजन कर करोड़ों रुपए खर्च करती है। कुंभ मेले में बाहर से साधु संत, नागा साधु सभी आते हैं। संगम हो रहा है, इस कारण कसौर तीर्थ घाट कहलाया गया और साथ साथ जो घाट होने के कारण ऊपर से जो पानी है, ग्रामीण इलाका का पानी, जो नाली का पानी, प्रदूषित पानी यहाँ सम्मिलित हो रहा है और साथ साथ नया पारा का जो राइस मिल का पानी है यहाँ प्रदूषित हो रहा है। इस कारण जो कसौर तीर्थ घाट का जो पानी जो है पूरा गंदा हो चुका है और घाट के किनारे पूरा गंदा गंदा कपड़ा है और घाट के किनारे भी जितने झाड़ झड़ू का सब जगह और प्रशासन जो इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे।